Hello students, welcome to our channel Asuka Biology. Myself Amit Tiwari. Most important question के series में आज हमारा नया chapter biodiversity. आइए solve करते हैं. Question number one, which of the following has the greatest species diversity? कौन सी ऐसी species है जिसमें सबसे ज़्यादा diversity होती है? तो tundra, deciduous forest, tropical या grassland. तो answer should be tropical. Question number second. According to Robert May, the global species diversity is about. तो Robert May के account according global species diversity है वो कितनी है? तो it is the 7 million. Answer should be A. Question number third. तीसरा सवाल हमारा species diversity mark करिएगा. Species diversity is the product outcome of. देखिए कोई भी स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है एक प्रोडक्ट है जो निकल के आती है कहाँ से स्पीसीज रिचनेस स्पीसीज इवननेस बोथ ए एंड बी एंड बायोमास ऑफ द स्पीसीज. देखिए जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है ये स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस दोनों पे डिपेंड करती है. अब स्पीसीज रिचनेस क्या है? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ढेर सारी डाइवर्सिटी का पाया जाना उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में. और स्पीसीज इवननेस क्या है? समानता होनी चाहिए स्पीसीज का. सिर्फ एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म अगर पाए जाएंगे तो बाकी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. तो इवननेस इंपॉर्टेंट है. आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर फोर, द स्पीसीज रिचनेस इज द. अब देखिए स्पीसीज रिचनेस क्या है? मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट विद इन यूनिट एरिया पर्टिकुलर जगह पर जो पाया जाना. और स्पीसीज इवननेस क्या है? प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज जो कि समान होना चाहिए. ये भी याद रखिएगा. ठीक है, तो आंसर शुड बी ए. ए में क्या भरा जाएगा? नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन यूरिया. एंड बी में क्या भरेंगे? प्रोपोर्शनेट क्या प्रोपोर्शन है उस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का डिफरेंट स्पीसीज का जो कि सेम होना चाहिए. बहुत तो वाइड डिफर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं बन पाएगी. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बी सी डी आप चेक कर लेना. आंसर शुड बी ए. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फाइव, मैक्सिमम डाइवर्सिटी अकर्स व्हेयर. मैक्सिमम डाइवर्सिटी अकर्स मार्क कर लीजिएगा व्हेयर. सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होगी? तो स्पीसीज ऑफ टेक्सोनॉमिकल डिफरेंट ग्रुप्स अकर्स ऑलमोस्ट इन इक्वल अबंडेंस. देखिए मैंने पहले भी कहा कि लगभग समान पाए जाने चाहिए. ये दो तीन सवाल सेम हैं बट अच्छे सवाल हैं. स्पीसीज ऑफ टेक्सोनॉमिक सेम ग्रुप अकर इन ऑलमोस्ट इक्वल अबंडेंस. सेम ग्रुप ने डिफरेंट ग्रुप्स हों और लगभग इक्वल अवेंडेंस में हो. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये और इसको अच्छे से मार्क करने की ज़रूरत है. तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आइडेंटिफाई सेक्रेड लेक्स ऑफ इंडिया. पुष्कर लेक्स ऑफ राजस्थान मतलब किचिचौपाली लेक्स ऑफ सिक्किम बोथ ए एंड बी. देखिए सेक्रेड लेक्स ऑफ इंडिया कौन सा है? तो यू शुड गिव द आंसर. देखिए बोथ ए एंड बी एज अ करेक्ट आंसर. पुष्कर लेक्स ऑफ राजस्थान भी एंड लेक्स ऑफ सिक्किम एज वेल. तो आंसर शुड बी सी. क्वेश्चन नंबर सेवन, द सेक्रेट ग्रुप्स ऑफ द आइसलैंड ऑफ प्रिस्टिन. देखिए सेक्रेट ग्रुप एनसीईआरटी ने लिखा है बट आइसलैंड ऑफ द प्रिस्टिन फॉरेस्ट ये नाम नहीं दिया. ये भी इसी का दूसरा नाम है याद रखिएगा. और अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड खासी जयंतिया हिल्स मेघालय. यस करेक्ट आंसर है. वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ओके सरगुजा चंदा वस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. द ऑल द थ्री लाइन्स आर मेंशन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो इट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके चलिए डी, विच टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डू नॉट पजेस इन इंडिया. सॉरी डू पजेस सॉरी. तो क्वेश्चन नंबर एट में पूछने कौन सा इकोसिस्टम इंडिया में होता है? तो डिजर्ट रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स कोरल रीफ्स वेटलैंड इस्टुरीज. वेटलैंड इस्टुरीज एंड एल्पाइन. ओके तो सारे के सारे आप चेक करते रहिएगा और आंसर बताइएगा. चलिए आंसर बताएं एट का. चलिए ऑल ऑफ दिस सारे होते हैं इसमें कोई संशय नहीं है. तो आंसर शुड बी एट का डी. ओके क्वेश्चन नंबर नाइन, अकॉर्डिंग टू द IUCN टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फॉर इज स्लाइटली मोर दैन. अब देखिए एक्चुअल डाटा मेरे पास है, हमारे पास है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज होता है. 1.7 टू 1.8
मिलियन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि 1.7 तो नहीं है बट स्लाइटली मोर देन 1.5, कोई और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज मोर देन, देखिए नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज मोर देन, ये डाटा है फैक्ट है एनसीईआरटी का, जो कि 70% होना चाहिए, कितना 70% से ज़्यादा है। प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायो जिम्नो एनजियो अकाउंट फॉर नियरली, अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने प्लांट हैं, 22% की बात कर रहे हैं और एनिमल की स्पीसीज 70% से ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 70 and 22, चलिए 70 and 22। 11, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ स्पीसीज रेप्टाइल फिशेस मैमल एम्फीबिया, हम इसको बिना ऑप्शन देखे करते हैं कि सबसे नंबर वन पे कौन होगा, सबसे वन पे होगा हमारे पास फिशेस, ओके नंबर वन पे, देन उसके बाद हम बात करेंगे रेप्टाइल की, देन एम्फीबिया, देन मैमल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 11 में, तो सबसे ज़्यादा हमने कहा फिशेस, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबिया, देन मैमल्स, तो आंसर शुड बी, मार्क करें आंसर क्या होगा 12 का, डी 11 का, 12 में 11 का डी आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द प्लांट्स ब्रायो टेरिडो एल्गी जिम्नो एंजियो मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन, बोलिए आंसर बोलिए, चलिए आंसर इज द एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा सवाल है, कई पॉइंट्स मिलते हैं, देखिए एक पूरा ग्राफ बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ये डायग्राम है और इसमें पूछ रहे हैं कि मैमल्स है ये रेप्टाइल है, ये बर्ड हो जाएगा, तो ये एक्स पूछ रहे हैं, एक्स देखिए सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स में कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो है यहाँ पे फिशेस, याद रखिएगा, अभी हमने पीछे भी आपसे कहा फिशेस जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो डी इज़ द राइट आंसर, एक्स जो है वो फिशेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, ये फैक्ट है, एनसीईआरटी में भी दिखता तो नहीं है जल्दी, बट आप याद रखिएगा इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 10 बायोग्राफिकल रीजन, कितने 10, यू कैन गो सर्च ऑन गूगल, ओके चलिए तो आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सवाल है ये, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा बायोलॉजी फैक्ट वेस है याद रखिएगा, हाउ मेनी द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इन सीटू एंड एक्सीटू कंजर्वेशन, देखिए जो हमारा हम इसमें पॉइंट आउट कर लेते हैं कि हमारा इक्सीटू कौन सा है, ठीक है। चलिए तो जूलॉजिकल पार्क हमारा क्या है, इक्सीटू है, मार्क कर लेना जूलॉजिकल पार्क, दिस इज द इक्सीटू, टिक कर लें। एक बॉटनिकल गार्डन इक्सीटू, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन भी क्या हो गया इक्सीटू। चलिए वाइल्ड लाइफ सफारी इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। होम गार्डन इक्सीटू, सीड बैंक इक्सीटू, जीन बैंक इक्सीटू, ओके तो 3, 2, 5, अब 5 ही हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और हो गए तो 5 + 5, तो आंसर शुड बी ए, ओके चलिए ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया 16 में आइएगा, इंडिया विद ओनली, अब देखिए लैंड एरिया कितना है 2.4%, स्पीसीज एरिया स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है 8.1%, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2.4 and 8.1, तो आंसर भी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली, अब रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल एस्टिमेट है उसमें 22% स्पीसीज रिकॉर्डेड है, ठीक है, कितनी 22%, मार्क कर लीजिएगा 22%, ये डाटा होना चाहिए आपके पास, बाकी बस पता नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 18, अप्लाइंग द रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट मोर देन 1 lakh प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 lakh एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन इंडिया, भारत में 1 lakh से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज और 3 lakh से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज अभी भी खोजी जानी बाकी है रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे हैं कि देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी, देखिए आंसर ही निकल गया, देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑन एंड इंडिया रैंक्स 8 ऑन द ग्लोबल डाइवर्सिटी, तो इट्स ओनली द फैक्ट 12 हैं, इंडिया की नंबर 8वें पे आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो ह्यूमन जोन, देखिए जब आप बायोस्फीयर पढ़ते हैं तो उसमें आपको ट्रांजिशन जोन मिलता है, बफर जोन मिलता है, बफर और ट्रांजिशन में तो ह्यूमन की एंट्री है बट कोर जोन में ह्यूमन की एंट्री किसी भी सूरत में नहीं होती, ये वो जोन है जहाँ पे ह्यूमन इंटर नहीं कर सकता, ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड एट देयर, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
कौन सा सेंटेंस सही है? अब देखिए वही जो एग्जांपल अभी हमने ग्राफ बनाया था उस पर निकलेगा ये, मैमल्स आर मोर डाइवर्स देन रेप्टाइल, मैमल कम होता है रेप्टाइल से, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबिया स्पीसीज डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, ये ठीक है। एल्गी इज लेस डाइवर्स देन लाइकेन, जी नहीं गलत है। फंजाई आर मोर डाइवर्स देन एंजियोस्पर्म, जी नहीं एंजियो फंजाई से ज़्यादा होता है। तो 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच व्हाई इंसेक्ट आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑफ अर्थ, देखिए इंसेक्ट सबसे सक्सेसफुल क्यों है स्पीसीज डाइवर्सिटी के मामले में, क्योंकि इनकी ऊपर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं, ये मजाक में बोल रहा हूँ, दे हैव द स्ट्रॉन्ग काइटनस क्यूटिकल विच कवर्स द होल बॉडी, सो दैट इज द मेन रीजन कि ये क्या वजह हो सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द फॉलोइंग इज रॉन्ग फिसेस, मार्क कर लीजिएगा, विच आर द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग फिसेस, मतलब रॉन्ग फिसेस आर मोर डाइवर्स देन द बर्ड, मछलियाँ जो होती हैं वो चिड़ियों से ज़्यादा डाइवर्स्ड हैं, ये ठीक है। बर्ड्स आर लेस डाइवर्स देन रेप्टाइल, जी नहीं गलत है। एम्फीविया आर लेस डाइवर्स देन बर्ड, बोलिए। तो देखिए चिड़िया जो है वो रेप्टाइल से, बी ऑप्शन जब फिर से देखिएगा, बर्ड्स आर लेस डाइवर्स, ये डाटा है याद होना चाहिए, जो चिड़िया है ये लेस डाइवर्स नहीं होती, ज़्यादा होती है, ठीक है। एम्फीविया कम होता है बर्ड से, और मैमल्स आर लेस डाइवर्स देन फिशेस, तो ये भी सही है, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना था ना, तो सी भी सही है, डी भी सही है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओके। 24, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग ऑफ द टिम्बर, देखिए कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, टिम्बर को हार्वेस्ट करना, टिलिंग ऑफ लैंड एंड प्राइवेट ओनरशिप आर अलाउड इन, अच्छा सवाल है ये, कहाँ अलाउड है, देखिए नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है, कोर एंड बफर जोन में अलाउड नहीं है, क्योंकि कोर मना करता है, तो 24 ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन में आप जाके ला सकते हैं, बट और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम डाइवर्सिटी अक्वर्स इन लैटिट्यूडनल रेंज, अब अगर आपको ये बात याद हो कि हम इक्वेटोरियल लाइन से जब चाहे नॉर्थ जाए या साउथ जाए थोड़ी दूर पे, तो लगभग 0 से 20 मैंने बोला था, 0 से 20 होता है ट्रॉपिकल, चाहे साउथ चाहे नॉर्थ, तो चूंकि ट्रॉपिकल में ही सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। अब आप पूछेंगे सर और क्यों नहीं हो सकता, और में टेम्परेट आ जाएगा, किसी में सब ट्रॉपिकल आ जाएगा, तो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आपको अगर पिछले लेक्चर का आइडिया होगा तो आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी इस सवाल में, तो आंसर आपका हो जाएगा 26 का ए। चलिए नेक्स्ट 27, व्हिच आर द करेक्ट, मार्क करिएगा, व्हिच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, एज वी मूव फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज, अगर हम हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड पर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बोले डिक्रीज नहीं सर इंक्रीज करेगी, मतलब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं सर। चलिए 27 में बी ऑप्शन देखिएगा, कह रहे मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज, इक्वेटर टू पोल जब हम जाते हैं सर तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती है, ठीक है। ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, यस करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट है बट डी गलत क्यों है, आउट ऑफ एवरी एनिमल ऑन द अर्थ 3 और इंसेक्ट, जी नहीं 3 और नॉट इंसेक्ट 7 और इंसेक्ट, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच डाइवर्सिटी इज रिच इन द ट्रॉपिक, कौन सी डाइवर्सिटी ऐसी है जो ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल मतलब सॉरी कि ट्रॉपिकल सबसे ज़्यादा क्यों है, तो ट्रॉपिकल में सीजनल वेरिएशन बहुत कम होता है, मोर सोलर लाइट अवेलेबल होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता, ग्लेशिएशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 29, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फैक्ट है इन्फॉर्मेशन है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थ समिट कहाँ हुई, रियो डी जेनेरो, याद कर लीजिएगा अर्थ समिट रियो डी जेनेरो, ओके। अगला वर्ल्ड समिट कहाँ हुई, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका, तो रियो डी जेनेरो 1992, जोहानसबर्ग 2002 साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए, अच्छा सवाल है और इसके आंसर्स भी आपको याद होने चाहिए। चलिए सर 29 के बाद 30, आइडेंटिफाई द एस ए जेड सी इन द टिपिकल स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ, ओके ग्राफ आपको दिया गया है, इस ग्राफ में आपको आंसर छांटना है कि कैसे निकलेंगे, तो ये जो ग्राफ निकलो एस बराबर सी ए जेड, इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा, इसका लॉग का ग्राफ निकाल लीजिएगा,
तब आपसे इसका आंसर आएगा। तो लॉग का जब ग्राफ निकालेंगे तो क्या आएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अब इसी से आपको आंसर निकालना है। तो जब इसमें आंसर आप छाटेंगे तो एस क्या हो जाता है, स्पीसीज एरिया मतलब स्पीसीज रिचनेस, ए क्या हो जाता है, एरिया एक्सप्लोर्ड, और जेड क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, और सी क्या है, इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो आंसर शुड बी 30 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बोथ टू फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें दोनों को करते हैं, फ्लोरा को भी करते हैं, फौना को भी करते हैं। तो आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ द स्लोप्स ऑफ द रिग्रेशन। देखिए, जहां समझाने की जरूरत नहीं है वहां आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। 32, द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्पीसीज रिलेशनशिप टू फ्रोगी और बर्ड एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ये डाटा है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1.15। ओके, टिक कर लीजिएगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फ्रोगी और बर्ड और मैमल्स के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। चलिए, द रीजन ऑफ द लैंड वेयर स्पेशली एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड। देखिए, 33 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ एनिमल्स को रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो आंसर टिक कर लीजिएगा 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज टेंड टू मोर स्टेबल दैन दोज विद लेस स्पीसीज। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, अगर स्पीसीज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर देन लेस स्पीसीज। ए स्टेबल कम्युनिटी डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। वेरिएशन जिनमें ज़्यादा नहीं होता उसे स्टेबल काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। ये स्टेबिलिटी, ये सारी बातें मेंशन है बुक में आपके। द स्टेबिलिटी स्टेबल कम्युनिटी इज रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। देखिए, अगर कोई कम्युनिटी स्टेबल है तो किसी के आने जाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्टेबल कम्युनिटी हैज़ लेस बायोडाइवर्सिटी। गलत है ये, स्टेबल कम्युनिटी के पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 35, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एरिया इंपॉर्टेंट फॉर। तो रेजिस्टेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर शुड बी डी। अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 36, द ओल्ड नेम ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज। देखिए, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, ब्लैक बक जीनी, हैली नेशनल पार्क इसका ये ओल्ड नाम है, और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में उत्तराखंड में, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में किया गया था, बंगाल टाइगर को रिजर्व करने के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, ये भी याद रखिएगा। बेहद अच्छा सवाल है और पूछा जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस लिए कहाँ है याद जरूर रखिएगा। 37, इन द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, आपने पढ़ा होगा रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल इकलिक ने दिया था, और वो एरोप्लेन वाला एग्जांपल जिसमें उन्होंने कहा था कि रिवर्ट्स जो हैं वो स्पीसीज है और जो विंग्स है वो कीस्टोन स्पीसीज है। डिटेल कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा। तो वो जो एक एक पुर्जा निकालते हैं, यानी एक स्पीसीज गायब हो जाएगी, और अगर मेन स्पीसीज कोई गायब हो गया, यानी पंखा ही निकाल लिया, विंग्स निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। तो 37 में रिवर्ट्स इक्विवेलेंट टू व्हाट स्पीसीज एंड बी विंग्स इक्विवेलेंट टू कीस्टोन स्पीसीज। अच्छा सवाल, अच्छा आंसर, आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 37, पॉल इकर्लिक बाय हिज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ट्राइज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन द बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हैव सम रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। यस, पहली बात भी उन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी घटती घट जाएगी, दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत अहम रोल होता है कुछ स्पीसीज का, तीसरा बायोडाइवर्सिटी इज नॉट मीनिंगलेस, ढेर सारी स्पीसीज का पाया जाना मीनिंगलेस नहीं है। तो आंसर शुड बी डी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, डेविड टिलमैन्स लॉन्ग इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, डेविड टिलमैन लॉन्ग एक्सपेरिमेंट इकोसिस्टम की अगर बात करी जाए, तो मार्क कर लीजिएगा, डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम यूजिंग आउटडोर प्लॉट। तो इन्होंने कहा, डेविड टिलमैन साहब ने, कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी घटेगी, ठीक है। दूसरा बात था कि प्लॉट्स विद मोर, मतलब सॉरी, अगर डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज, मार्क कर लीजिएगा,
प्लांट्स विद मोर स्पीसीज शोज लेस एयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, तो आंसर शुड बी सी 39 में। क्वेश्चन नंबर 40 मार्क कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो माइनर स्पीसीज हैज गॉट नो इम्पोर्टेंस इन एन इकोसिस्टम, ये गलत है, बिना पढ़े ही आपको समझ जाना चाहिए कि माइनर स्पीसीज का कोई भी रोल नहीं है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, सबका रोल होता है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, ओनली ह्यूमन बींग्स हैव देयर इम्पोर्टेंस ऑन अर्थ, बेकार की बात है। डी ऑप्शन देखिए, पैथोजन विच कॉजेज सीवियर ह्यूमन डिजीज आर नॉट पार्ट ऑफ फूड वेब चेन शुड बी मेड, देखिए ये सही सेंटेंस है, पैथोजन को कोई भी जगह नहीं दी गई, कोई भी पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, तो 42 का आंसर क्या हो गया हमारा, डी 41 में आइएगा। विद द चेंज इन द एनवायरमेंट कंडीशन सम स्पीसीज डिसअपियर एंड सम रिमेन, द लॉस ऑफ स्पीसीज विच अकर्ड इन जियोग्राफिकल पास्ट एट अ वेरी स्लो रेट, देखिए बहुत स्लो रेट में अगर हो रहा है तो उसके लिए स्पीसीज का डिसअपियरेंस तो एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, मॉस एक्सटेंशन नहीं है, नेचुरल एक्सटेंशन है, टिक कर लीजिएगा। अगर खुद से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो नेचुरल एक्सटेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर अभी मैंने बता दिया, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है तो 42 का आंसर हो गया, इसके बारे में भी पीछे बात करी हमने। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सटेंशन विच अकर्स ड्यू टू विग नेचुरल कैटास्ट्रॉफ इज कॉल्ड, अब देखिए अगर हम बात करें बड़ा और नेचुरल मतलब कुछ जैसा उटपटांग होने वाला है, एक्सटेंशन होने वाला है, तो ये मास एक्सटेंशन की वजह से होता है सर, तो मास एक्सटेंशन वर्ड को टिक कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ बड़ा डिस्टपियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन इज कॉजिंग द सिक्स्थ एक्सटेंशन, छठी बार ह्यूमन में इंसान की डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सटेंशन होगा और ये बहुत तेज होगा, इट इज़ टाइम मोर फास्टर दैन द एक्सटेंशन विच अकर्स इन द प्री ह्यूमन टाइम, ये लगभग 100 से 1000 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो छठी बार प्रोग्राम बदलने वाला है, आजकल तो चल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन, IUCN की जो रेड लिस्ट है ये बताती है कि 784 स्पीसीज बिल्कुल कगार पे हैं डिस्ट्रॉय होने के पिछले 500 सालों में, मतलब एक्सटेंस हो चुके हैं सॉरी, जिसमें कि 338 इनवर्टिब्रेट्स हैं और मतलब वर्टिब्रेट्स हैं और 359 वर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं, मार्क कर लीजिएगा 45 में। ठीक है, ये फैक्ट है, तो ए आंसर हो जाएगा 784, 338, 359 एंड 87। अगला सवाल 46 का, चलिए आंसर बताइए, द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिक पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमन हैव रिजल्टेड इन एक्सटेंशन ऑफ मोर देन स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड, चलिए एनसीईआरटी में मेंशन है यानी पहले ही बताइए, ओके अब आंसर बताइए, चलिए 46 का आंसर हो गया ए, पेज नंबर 263 पे लिखा हुआ, चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अंडरगॉन रिसेंट एक्सटेंशन, रिसेंट में क्या क्या गायब हुआ है, तो डोडो मारियसस से गायब हुआ, क्वागा अफ्रीका से, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाऊ रशिया से, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर बॉली जावान एंड कैस्पियन आल्सो एक्सटिंक्ट, सो आंसर शुड बी डी विदाउट एनी हेजिटेशन, तो 46 का आंसर ए एंड 47 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन मे लीड टू, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या ले जाएगा, तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, यस, लोअर रेजिस्टेंस, बिल्कुल घट जाएगी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, और कहीं ना कहीं इंक्रीज वेरिएबिलिटी, सर्टेन इकोसिस्टम, सब कुछ डिजी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, वाटर यूज डिस्टर्ब हो जाएगा, एवरीथिंग शुड बी डिस्टर्ब, तो 48 का आंसर डी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का कॉन्स्टेंट होना बहुत जरूरी है। 49, फ्यूचर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द इविल क्वार्टेट, आपने पढ़ा होगा जरूरी बुराई, मतलब इविल क्वार्टेट जो बुराई है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन है सर, को इवोल्यूशन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि हम लोग पढ़ते वही हैं जो हमारे दिमाग में होता है, अपने हिसाब से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पार्थिनियम लेंटाना इकॉर्निया एंड क्लेरियस ग्रेसिपेनस
दूसरी तरफ एक्सीडेंटल एंट्री इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन अफ्रीकन कैटफिश एंड केम अलॉन्ग विद इम्पोर्टेड व्हीट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्लरियास जो है इसकी एंट्री कैटफिश के साथ करा दी, तो डी का थर्ड। अब डी का थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन है, सी मैच कराना है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है सर, बाकी कुछ नहीं है। तो थर्ड में ए का फोर, यस पार्थिनियम केम अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेड व्हीट इन इंडिया। ठीक है, ए का फोर और डी का थर्ड दो मैच कर गया, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, नील पर्च एक फिश है, इंट्रोड्यूस की गई थी ईस्ट अफ्रीका में, जिससे कि लगभग 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिशेस डिस्ट्रॉय हो गई। तो नील पर्च वाज ए फिश इंटू लेक ऑफ विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका, नील पर्च एलिमिनेटेड ओवर द 200। तो याद रखिएगा ये पॉइंट जो आपका है ए और बी, ए लार्ज प्रेडेटरी फिश थी, ठीक है, लार्ज प्रेडेटरी फिश और 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिशेस वर डिस्ट्रॉय। तो आंसर क्या होगा, 50, सवाल कौन सा भैया, 51। तो 51 का आंसर टिक कर लीजिएगा। आई थिंक ए में क्या लिखा है, ए लार्ज प्रेडेटरी फिशेस, बी 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिश, ए लार्ज प्रेडेटरी बर्ड। ओके हाँ ओके, वही तो मैं सोच रहा था, बी ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ बर्ड लिखा हुआ है, दिखता नहीं हम लोगों को, प्रेडेटरी सर्च के बोल रहा होता है, तो जैसे मुझे दिख नहीं पाया। तो 51 का आंसर ए, 52। अच्छा सवाल है, आ सकता है। IUCN हैज इट्स हेडक्वार्टर, IUCN आपके पास दिया हुआ है, तो IUCN कहाँ है, चलिए बताइए इसका आंसर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का, बोलिए आंसर, बोलिए आंसर, बोलिए सर। ग्लैंड, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो या जिनेवा, बोले बोले आंसर, बोले आंसर, बोले। चलिए 52 का आंसर ए, टिक कर लीजिएगा। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन, क्या वजह हो सकती है गायब होने की। तो स्मॉल बॉडी साइज, लार्ज पॉपुलेशन, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, जी नहीं, लोअर ट्रैफिक लेवल इन द फूड चेन। लोअर वाले कभी गायब नहीं होंगे, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज हैबिटेट एंड माइग्रेट, जिसके अंदर इतनी बढ़िया कैपेसिटी हो वो कहाँ गायब हो सकता है। तो डी, इन एबिलिटी टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फूड रिसोर्सेज फ्रॉम द ओरिजिनल गेट्स हैव बीन एग्जॉस्टेड, किसी एक फूड को छोड़ के दूसरे में जो नहीं जाएगा वो एक्सटेंट हो जाएगा। तो आंसर सुड बी डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, को एक्सटेंशन कैन अकर इफ अमंग टू स्पीसीज व्हिच आर, मार्क कर लीजिएगा, कुछ सिस्टम एरर, जस्ट वेट, टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सब चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए 54 में, को एक्सटेंशन कैन अकर इफ अमंग टू स्पीसीज व्हिच आर एसोसिएटेड सिम्बायोटिकली, वन ऑफ इट्स गेट एक्सटेंड। देखिए अगर आप इसमें देखें तो ये सही नहीं है, सुंदरवन और द, मतलब ये भी सही है, को एक्सटेंशन हो सकता है अगर दो स्पीसीज हैं और मतलब साथ साथ रह रहे हैं। सुंदरवन आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोडो स्टील का हुआ, अभी हमने पीछे आपसे बात किया, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर, फैक्ट है, याद करना है। इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 4.7 ऑफ द टोटल लैंड सरफेस एरिया है। तो आप इसको 55 में आंसर ए हो जाएगा। चलिए 56, हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, अब हॉट स्पॉट इंडिया में पहले कितने थे, दो, वर्ल्ड में कितने थे, 25, आज कितने वर्ल्ड में, 34, इंडिया में कितने, 3, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय एंड नेगरी कंट्री, तो आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट डायरेक्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज, देखिए सबसे ज़्यादा डायवर्सिटी को लॉस करने का खतरा किस है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, 57 का आंसर डी, जो इवल क्वार्टेट पढ़ा अभी पीछे। 58, इंट्रोड्यूस स्पीसीज कैन हैव डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कम्युनिटी बाई, क्या करेंगे ये, डिस्प्लेसिंग नेटिव स्पीसीज, प्रेइंग ऑन द नेटिव स्पीसीज, कम्पीटिंग विद द नेटिव स्पीसीज। तो तीनों इफेक्ट करेंगे, डिस्प्लेस कर सकते हैं, नेटिव स्पीसीज का शिकार कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं नेटिव स्पीसीज से भोजन और आवास के लिए, तो सारे की वजह से मतलब निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स ट्रू अबाउट हॉट स्पॉट, ऑल ऑफ द प्लांट इन एनिमल कंटेनिंग जीन्स दैट बी यूजफुल टू ह्यूमन काइंड आर लोकेटेड इन द अर्थ, ऑल नहीं जो इंडिजीनियस हैं, 1/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ ऑक्यूपाई लेस दैन 2% अर्थ लैंड एरिया, ये डाटा मुझे सही लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, तो 59 का आंसर बी, 60 में, ये सवाल मैंने जानबूझ के रखा है कि आप इससे कई इन्फॉर्मेशन जोड़ पाएँ। तो बायोडाइवर्सिटी, इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ द नेचर, ये तो 60 का जो आंसर आपके पास दिया हुआ है वो डी है,
ए का थर्ड, अब ए को थर्ड से मैच करिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन, मैं सारे वर्ड को क्लियर करूंगा। बायोपायरेसी क्या होता है, जब कोई दूसरा कंट्री अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है, तो बी का फर्स्ट। बायो रिमेडिएशन, जिसमें हम कभी सुधार की बात करते हैं, ठीक है, सुधार की बात कैसे होगा, जैसे आप बात करें सी में, तो सी आपका जो पॉइंट है इसमें क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन बाय द माइक्रोब्स एंड लैंड, जैसे आप सिडोमोनास फ्यूरोडा की बात कर सकते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है, डिस्कवरी एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट वेस्ट ऑन द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या होता है। तो ये 60 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मैच कर लीजिएगा। तो ये तो था हमारा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, आई होप आपको बातें समझ में आएंगी, चूँकि थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है ये, इसलिए आप इनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करना हो, इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर दिस, आई होप यू रियली एन्जॉय दिस। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।